रांझनाओं की भीड़ ने किया सोनम को परेशान। बनारस में बेकाबू फैंस को देख सोनम हुई हैरान। जी हाँ, काशी की तंग गलियों से मिस ढिंचैक ढूंढ कर लाई है एक मजेदार खबर। अनिल कपूर की लाडली सोनम कपूर रांझना की शानदार सफलता के बाद काशी के प्रसिद्ध बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गई थी, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद सोनम बनारस की गलियों में ऐसी फंसी कि उन्हें नानी याद आ गई। दरअसल सोनम कपूर की गाड़ी जाम की वजह से मंदिर से दूर पार्क थी। ऐसे में दर्शन के बाद सोनम को नंगे पांव इन्हीं तंग गलियों से पैदल ही गाड़ी तक जाना पड़ा। लेकिन ये क्या, बनारस के रांझणाओं की नजर जैसे ही सोनम पर पड़ी वो भी उनके पीछे पीछे हो लिए। आगे आगे मीडिया, बीच में सोनम और सोनम के पीछे सैकड़ों फैंस का हुजूम। सोनम को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ पैदल चलना कितना भारी पड़ेगा। जरा देखिए, सोनम बार बार भीड़ से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही थी कि उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन सोनम की इस विनती का कोई असर नहीं पड़ रहा था। यहाँ सब के सब सोनम का रांझणा बनने को बेकरार थे। आखिर में थक हार कर इस भीड़ से बचने के लिए सोनम पास के एक ऑप्टिकल शॉप में घुस गई। यहाँ सोनम के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, तो कभी सिर पकड़कर बैठ जाती। हद तो तब हो गई जब सोनम भीड़ से बचने के लिए जिस शॉप में घुसी, वहाँ भी शॉप में काम करने वाले लोग मोबाइल कैमरा में उन्हें कैद करने लगे। अंदर सोनम का हाल बुरा हो रहा था, तो बाहर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। लोग बीच बीच में बाबा विश्वनाथ के जयकारे भी लगा रहे थे, जिसे देख सोनम भी मुस्कुरा उठती। अंत में सोनम की सुरक्षा के लिए पुलिस आई और भीड़ से बचते हुए सोनम को उनकी कार तक ले गई। तब जाकर सोनम की जान में जान आई। लेकिन इस बात से सोनम को इस हकीकत का पता जरूर चल गया होगा कि रियल लाइफ के रांझणा और रियल लाइफ के रांझणा में कितना फर्क होता है। इसीलिए आगे से ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा सोनम।